नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में भारत ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर निशाना साध दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला करना है। ऐसे में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की जरूरत है। आतंकवाद युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त अफगानिस्तान के लिए समर्थन का वादा करते हैं। एससीओ में विदेश मंत्रियों ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में देश में चल रही हिंसा और आतंकी हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करना एससीओ का प्रमुख उद्देश्य है और इसलिए आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना ही चाहिए। वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। भारत ने संघर्षग्रस्त देश के लिए 3 सूत्रीय रोड मैप पेश किया जिसमें हिंसा, आतंकवादी हमलों की समाप्ति, राजनीतिक बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान और पड़ोसी देशों को सुनिश्चित करने के लिए कदम शामिल है। तो 2-2 की यहां पर भारत ने एससीओ मंच पर अपनी बातें रख दी है और कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन ये पूरी तरीके से पाकिस्तान और चीन के नेतृत्व को बढ़ावा दे रहा है और इसी को लेकर भारत ने निशाना साध दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला करना है। ऐसे में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की जरूरत है। आतंकवाद युद्ध नशीले पदार्थों से मुक्त अफगानिस्तान के लिए समर्थन का वादा करते हुए एससीओ ने विदेश मंत्री ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में देश में चल रही हिंसा, आतंकी हमलों को लेकर अपनी आवाज उठाई। आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करना एससीओ का प्रमुख उद्देश्य है और इसलिए आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान में इस समय उथल पुथल मची हुई है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। भारत ने संघर्षग्रस्त देश के लिए 3 सूत्रीय रोड मैप पेश किया। हिंसा, आतंकवादी हमलों की समाप्ति, राजनीतिक बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान और पड़ोसी देशों को सुनिश्चित करने के लिए ये बेहतर कदम शामिल हो सकता है। तो अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। आपको बता दें कि भारत ने चीन पाकिस्तान पर सीधा निशाना साध दिया है क्योंकि एससीओ पूरी तरीके से ऐसे देशों को आगाह कर रहा है कि वो आतंकवादी हमलों, आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर दे वरना उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के ये 2-2 बयान सामने आए हैं जिसमें भारत ने अपनी बात रखी है और पाकिस्तान और चीन पर सीधा निशाना साधते हुए कह दिया है कि इस संगठन का मकसद है आतंकवाद को दूर करना, जो हिंसा लगातार देशों में बढ़ती जा रही है उसे कम करना है। लेकिन पाकिस्तान और चीन ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान और चीन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि शांति ना बनी रहे, शांति भंग होती रहे। और ऐसे ही देशों में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा मिले इसका फायदा चीन और पाकिस्तान बखूबी उठाते हैं, लेकिन जो बाकी देश है इसमें भारत भी आता है जिसको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब देश जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो विश्व स्तर पर हो, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो सिर्फ एशिया के देशों के अंदर हो, लगातार भारत अपनी आवाज उठा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजने के बाद देश में भीषण हिंसा, लूटपाट और आगजनी का दौर अब भी जारी है। इस हिंसा में अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है जो कि 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर हिंसा जारी है। दक्षिण अफ्रीका की तस्वीरें हैं, 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 72 लोगों की जान चली गई है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों से ऐसा ही हाल है जिसको देखते हुए देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी को भी बंद करना पड़ा है। हिंसा की चपेट में जोहान्सबर्ग और डर्बन जैसे शहर भी आ गए हैं जो कि वहां पर काफी ज्यादा विकसित है। हालात ये हैं कि सेना की तैनाती के बाद भी देश में संघर्ष और ज्यादा बढ़ रहा है। आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जुमा समर्थकों ने कई शॉपिंग मॉल्स को आग के हवाले कर दिए जिससे आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है।
पुलिस ने बताया है कि मृतकों में ज्यादातर लोग दुकानों में लूटपाट के दौरान भगदड़ मचने से मारे गए हैं। यानी कि जब हिंसा बढ़ रही थी और लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, यहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, तो इस दौरान भगदड़ मची क्योंकि वहां पर सेना को बुलाया गया। इस दौरान कई लोग हिंसा का शिकार हो गए जिनकी जान चली गई। सबसे ज्यादा हिंसा गाउतेंग और काजलू नताल प्रांतों में हो रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस और सेना की अशांति रोकने की कोशिशें जारी हैं। गाउतेंग प्रांत के प्रीमियर देवेन मुखरा ने बताया हालात अभी नियंत्रण से दूर हैं। यानी कि अब वहां की जो सरकार है वो पूरी तरह से कह चुकी है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हालातों पर काबू पाने की, लेकिन हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। जोहान्सबर्ग और डर्बन जैसे शहरों में भी जुमा के समर्थन में हिंसा बढ़क उठी है। जोहान्सबर्ग के शॉपिंग मॉल्स में लूटपाट की गई, जबकि डर्बन में कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो देश में असमानता के खिलाफ पिछले 27 सालों से लोगों के दिलों में गुस्सा था जो अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उसके लिए कुछ तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे इलाके जो कि पूरी तरह से विकसित है, वहां पर इस तरह की हिंसा लगातार बढ़ रही है और बीते 5 दिनों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 1000 से ज्यादा यहां पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 72 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जो कि एक जो सरकारी आंकड़ा है। अगर वैसे राउंड जीरो पर देखा जाए तो कई लोग घायल भी हुए हैं, कईयों का इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। लूटपाट आगजनी का दौर लगातार जारी है और 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले 5 दिनों से इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी रिफाइनरी को भी बंद करना पड़ा है। हिंसा की चपेट में जोहान्सबर्ग और डर्बन ये ऐसे शहर है वहां के जो कि पूरी तरह से विकसित है, लेकिन वहां पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सेना की तैनाती के बाद देश में संघर्ष और आगजनी की घटनाएं लगातार जारी हैं। जुमा समर्थकों ने कई शॉपिंग मॉल्स को हाथ के हवाले कर दिया, जिससे शहरों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। भगदड़ में लोग मर रहे हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा हिंसा गाउतेंग और कुजुल नागल प्रांत में हुई है। तो इस तरह की तस्वीरें साउथ अफ्रीका के कई शहरों से लगातार सामने आ रही है। जो जुमा समर्थक है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और असमानता को लेकर पिछले 27 सालों से लोगों के दिलों में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो कि सड़कों पर उतरता है आगजनी के रास्ते। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से नए इलाकों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है और इससे भारतीय हित प्रभावित हो रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत कई स्तर पर कूटनीतिक प्रयास कर चुका है और ये कोशिश पिछले कई सालों से लगातार जारी है। हालांकि कोविड-19 की वजह से कुछ जो प्रयास थे वो नहीं पूरे हो पाए हैं। वहीं एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक ने भारत के इन प्रयासों की सराहना की है। नई दिल्ली में रूसी मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबुशिन ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि तालिबान इस समय अफगानिस्तान की हकीकत है और सभी जातीय समूह के प्रतिनिधित्व से बनने वाली समावेशी सरकार ही अफगानिस्तान में शांति ला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस दोनों ही अफगानिस्तान में शांति वार्ता के पक्षधर हैं और देश के बदलते हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान एक अहम दौर से गुजर रहा है और मौजूदा संकट का समाधान सैन्य ताकत से नहीं हो सकता, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करनी होगी, तभी ऐसा हो सकता है। अगर आप सैन्य ताकत दिखाते हैं तो फिर जो भूतपूर्व में रहा है वैसा ही भविष्य अफगानिस्तान का हो सकता है। अफगानिस्तान से भारत के हित जुड़े हैं और भारत ही तय करेगा कि वो अफगानिस्तान के मामलों में कितना दखल देता है, कितना दखल देने की उम्मीद है और कितनी जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारत क्षेत्रीय कूटनीतिक के जरिए अफगानिस्तान में सक्रिय है और यह हौसला बढ़ाने वाला है। भारत अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया और अफगानी लोगों के नेतृत्व की सरकार का पक्षधर है। हाल के महीनों में अफगानिस्तान में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका सितंबर से पहले पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाएगा। इस बीच तालिबान लड़ाके तेजी से नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। कई देशों ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी कम की है। भारत ने भी कंधार दूतावास के अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है। तो अफगानिस्तान का जो भूतकाल रहा है वो भविष्य ना हो, ऐसी पुरजोर कोशिश तमाम देशों के साथ चल रही है। भारत भी उसमें से एक है क्योंकि भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से नए इलाकों पर नियंत्रण कर रहा है, इससे भारतीय हित प्रभावित हो सकते हैं। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयासरत है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वरिष्ठ राजनयिक ने भारत के इन प्रयासों की बहुत सराहना की है।
अफगानिस्तान की हकीकत और सभी जातीय समूह के प्रतिनिधि से बनने वाले समावेशी सरकार की अफगानिस्तान में शांति ला सकती है, यानी कि आपको बैठक करनी होगी, बैठक के बाद ही कोई अच्छा हल निकल सकता है। इस तरह से सैन्य ताकत बढ़ाकर कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में हौसले लगातार बढ़ाने होंगे, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ। अगर ऐसा होता है तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है उसको नुकसान हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व से गदगद पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अफगानिस्तान में मनमानी का ख्वाब देख रहे पाक के लिए जोरदार झटका है। उधर भारत की कूटनीतिक पहल रंग ला रही है। तहरीके तालिबान के इस बयान से भारत की कुछ चिंताएं जरूर कम हो गई हैं। तालिबान ने भारत से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा जताई है और अफगानिस्तान के लोगों का साथ देने की अपील की है, न कि किसी थोपी हुई सरकार। तालिबान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान के संघर्ष में भारत निष्पक्ष रहेगा और भारत भी ऐसा ही चाहता है। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान तालिबान पर तानाशाही नहीं चला सकता और न ही अपने विचारों को थोप सकता है। शाहीन ने भारत से इस मामले में निष्पक्ष रहने की अपेक्षा जताई है। सुहेल के इस बयान से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबान के साथ मिलकर अपनी मनमानी करने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को करारा झटका तो जरूर लगा होगा। हालांकि पाकिस्तान खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बयान पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है इस पूरे मुद्दे पर। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान सुहेल से जब पूछा गया कि क्या तालिबान पाकिस्तान की नहीं सुनना चाहता, इस बार उन्होंने कहा कि हम आपस में भाईचारे का रिश्ता चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पर तानाशाही नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हम पर कोई विचार नहीं थोप सकता, ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। तो लगातार तालिबान पर तानाशाही नहीं चलाने को लेकर पाकिस्तान को तालिबान दो टूक कह चुका है। वहीं यहां पर भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें आसान जरूर होती हुई नजर आई है, क्योंकि तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें यकीन है कि भारत निष्पक्ष होकर इस पे अपना दखल अंदाजी करेगा। तो अफगानिस्तान में मनमानी का ख्वाब देख रहे पाक के लिए जोरदार झटका है। भारत की कूटनीतिक रंग जो पहल है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। तरीके तालिबान के इस बयान से भारत की कुछ चिंताएं जरूर कम हुई होगी, लेकिन पाकिस्तान की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। तालिबान ने भारत से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा जताई और अफगानिस्तान के लोगों का साथ देने की अपील की है, और भारत पहले ही कह चुका है कि तालिबान पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकता, अफगानिस्तान पर किस तरह का दबाव नहीं डालने वाला, क्योंकि वो उसका खुद की समस्या है, खुद की नीति है, जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है जैसे बढ़ना है। चीन और पाकिस्तान जो है वो लगातार दबाव डाल रहे हैं तालिबान पर, अफगानिस्तान पर। तो तालिबान और अफगानिस्तान के संघर्ष में भारत निष्पक्ष रहेगा। तरीके तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ये दृढ़ कहा कि पाकिस्तान तालिबान पर तानाशाही नहीं चला सकता है, ना ही अपने विचारों को थोप सकता है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है तालिबान अफगानिस्तान में। इस समय जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा सा मनमुटाव और तनाव लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तनाव की जो स्थिति है वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दूसरे जो देश हैं वो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान से नेटो सेनाओं की वापसी को एक गलती बताया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अफगान नीति की भी आलोचना की और कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बुलाने के परिणाम अविश्वसनीय रूप से बुरे होने वाले हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब यह दिखाई दे रहा है कि तालिबान जल्द ही काबुल में अमेरिका समर्थित अफगानिस्तान सरकार को पलट सकता है। विदेशी सैनिकों के लौटकर जाने की घोषणा के बाद से ही तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के कई जिलों पर उसने कब्जा कर लिया। पड़ोसी देशों की सीमा पर स्थित कई प्रमुख अफगान चौकियां भी उसके कब्जे में हैं, जिसकी वजह से अफगान सरकार लगातार कमजोर पड़ रही है। इस परिस्थिति के बारे में एक जर्मन समाचार प्रसारक द्वारा ये पूछे जाने पर कि अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बुलाकर अमेरिका ने कहीं कोई गलती तो नहीं की, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, मुझे लगता है कि यह गलती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बुलाने के परिणाम अविश्वसनीय रूप से बुरे हो सकते हैं। बुश प्रशासन ने ही साल 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था और वो अभियान मुख्यतः तालिबान की तानाशाही के ही खिलाफ था, लेकिन अब जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौट रहे हैं तो वहीं दौर एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है और फिर दिखाई भी दे रहा है। इसकी बानगी पिछले कई दिनों से नजर आ रही है।
अपने इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति बुश ने उन अफगान दुभाषियों और उनके परिवारों की भी चिंता की है जिन्होंने इतने वर्षों तक अमेरिका और नेटो सेना की जमीनी स्तर पर मदद की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को बस मरने के लिए छोड़ दिया गया जिन्हें अब हर वक्त उन निर्दयी और निशंस लोगों से खतरा है। उनके बारे में सोचकर मुझे तकलीफ होती है। तो जॉर्ज बुश ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि उन अफगान दुभाषियों और उनके परिवारों की मैं चिंता करता हूं क्योंकि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है जिन्होंने इतने सालों तक अमेरिका और नेटो सेना की जमीनी स्तर पर मदद की है लेकिन इस तरह से अमेरिका ने छोड़ दिया है जिसको लेकर आलोचना भी की गई है और जो बाइडेन की भी आलोचना यहां पर बुश ने की और कहा कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को बस मरने के लिए छोड़ दिया गया जिन्हें हर वक्त उनकी जरूरत है और अब हर वक्त उन निर्दयी और निशंस लोगों से खतरा है। उनके बारे में सोचकर उन्हें तकलीफ होती है। इराक के दक्षिणी प्रांत धिकार के एक अस्पताल में भीषण आग से कम 92 लोगों की जान चली गई, दर्जनों घायल हो गए हैं। आधिकारिक इराकी समाचार एजेंसी ने बताया कि सोमवार शाम को प्रांतीय राजधानी अल नसीरिया में अल हुसैन अस्पताल के आइसोलेशन केंद्र में आग लग गई। देखते ही देखते ये पास के 20 सैंडविच पैनल कारवा में फैल गई। मरीजों स्वास्थ्यकर्मियों को निकालने के लिए दमकल कर्मी और नागरिक सुरक्षा दल घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने घंटों बाद आग पर काबू पाया। आग कितनी भीषण थी अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि अब 20 घंटे लग गए इस आग को बुझाने में। प्रधानमंत्री के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मंगलवार को इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने एक कैबिनेट बैठक की जिस दौरान उन्होंने एक सप्ताह के भीतर आग की जांच के परिणाम की घोषणा करने का वादा किया। बयान में कहा गया है कि इस बीच अल कदीम ने प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक, अस्पताल के निदेशक और प्रांतीय नागरिक सुरक्षा निदेशक को निलंबित करने और हिरासत में लेने का फैसला किया है और घातक घटना की जांच का आदेश दिया। उन्होंने पीड़ितों के लिए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है। तो इराक का यह अस्पताल जहां पर भीषण आग लग गई, आग इतनी जबरदस्त थी कि करीब 20 घंटे लग गए आग को बुझाने में, 92 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं उन पीड़ितों के लिए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है सरकार द्वारा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, आग लगने से लगभग 92 लोगों की जान चली गई है। इराक के एक अस्पताल में ये भीषण आग लगी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अभी आपने तस्वीरें देखी इराक की जहां पर एक अस्पताल में भीषण आग लग गई, आग लगने से 92 लोगों की जान चली गई है और फिलहाल 3 दिन के राष्ट्रीय शोक को वहां पर रखा गया है क्योंकि हजारों जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, इस आग में झुलसे हैं। हालांकि अस्पताल को भी बेहद नुकसान हुआ है। तो ऐसी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, आगे बढ़ते कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। फिलहाल वो तस्वीरें आपने देखी जिसको लगातार मैं बता रही हूं, इराक के एक अस्पताल में आग लगी है और वहां जिस तरह से आग लगी तो ये जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि आग किन कारणों से लगी है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चीन की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक इमारत दहने से 17 लोगों की जान चली गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितना भीषण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इमारत का अवैध निर्माण कराया जा रहा था और 17 लोगों की यहां जान चली गई है। राहत बचाव का काम जारी है, शवों को बाहर निकाल लिया गया है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये तस्वीरें चीन से सामने आ रही है। इमारत का अवैध निर्माण कराया जा रहा था और अवैध निर्माण के दौरान ही ये इमारत ढह गई, 17 लोगों की जान चली गई। बेहद दुखद है। राहत बचाव का काम जारी है और वहां की सरकार की बात करें, सरकार के द्वारा जो लोग उसमें घायल हुए हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के सूजो शहर की घटना है जहां पर एक होटल का हिस्सा रहने से 17 लोगों की जान चली गई और 5 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। हादसा दोपहर करीब 3:33 पर हुआ। बचाव मुख्यालय के अनुसार सोमवार को इस दौरान 23 लोग फंस गए थे। बचाव अभियान बुधवार सुबह 9 बजे समाप्त हुआ। जियांगसू की प्रांतीय सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। इस बीच स्थानीय पुलिस ने पतन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की है। प्रभारी
जांच में पाया गया है कि विजयांग जिले की सरकार के अनुसार जहां होटल स्थित है उसका अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था, जिस वजह से ये हादसा हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसा भीषण है, दुखद है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जो होटल जो जगह पर बना हुआ था वहां पर इसके अलावा और भी इमारतें हैं जो कि अवैध तरीके से बन रही हैं, और अचानक एक हिस्सा ढह गया होटल का, 17 लोगों की जान चली गई। हालांकि बताया जा रहा है कि 23 लोग दब गए थे, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिण कोरिया में कोविड-19 के कुल 252 मामले सामने आए हैं जो पूरी तरह से टीकाकरण के बाद वायरस से संक्रमित लोगों से संबंधित हैं। कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी KDCA के अनुसार 8 जुलाई तक कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों की संख्या 252 थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रति 10,000 से ज्यादा लोगों में 4.46 के बराबर है। 8 जुलाई तक पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा थी। ये ज्ञात है कि पूर्ण टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद लोगों को वायरस से बचाया जा सकता है। सफलता का मामला पूर्ण टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद संक्रमित लोगों को संदर्भित करता है। नवीनतम टैली में दक्षिण कोरिया ने मंगलवार को 1,150 और मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा हो गई है। दैनिक मामले लगातार 7 दिनों तक 1,000 से ऊपर रहे। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,046 थी। तो दक्षिण कोरिया में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि टीकाकरण वहां पर लगातार किया जा रहा है, टीकाकरण के बाद भी लोगों में संक्रमण मिल रहा है। प्रतिदिन 1,000 के करीब मामले सामने आ रहे थे और अभी नए मामलों की बात की जाए तो 252 मामले सामने आए हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अभी बात की जाए तो टीकाकरण भी करोड़ों लोगों का हो चुका है। लेकिन जितने लोग हैं जिनका टीकाकरण हुआ है उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनमें नए नए वेरिएंट मिल रहे हैं, जिसको लेकर सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो वैक्सीनेशन है उसे और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जो नियम है उनको फॉलो करवाया जाए, क्योंकि हल्की सी छूट दी गई थी और छूट के बाद मामले फिर से ज्यादा आने लगे हैं। और देश दुनिया की खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। कोरोना नहीं होता, दुनिया भर के लोग आए। आज जहां सड़क नहीं है,